अब्दुल हलीम अंसारी साहब कॉरपोरेटर का, वो इस सिलसिले में किया गया कि एक बहुत सालों से हलीम नगर इलाके के जो बच्चे हैं उनके पास उनके लिए स्कूल नहीं थी। 3 किलोमीटर दूर 4 किलोमीटर दूर चलकर वो बच्चे स्कूल में आते थे, हमारी स्कूल में आते थे। हमारी जो स्कूल है वो भी शांतिनगर कैंपस, जो शांतिनगर पुलिस चौकी के सामने है, जहाँ पर 13 स्कूल चलती है, उस कैंपस में बच्चों को बैठने के लिए जगह नहीं थी। और उस पर जो है जो नूरी नगर से, हलीम नगर से और पहाड़ी से जो बच्चे आते थे, ये बहुत तकलीफ़ उनको होती थी। बारिश के महीने में तो और ज़्यादा तकलीफ़ होती थी। इन तकलीफ़ों को दूर करने के लिए हलीम साहब ने वहाँ पर एक स्कूल कायम की, जिसका 104 नंबर जिस स्कूल को मिला है, ये नया स्कूल है। और ये स्कूल एक ऐसे इलाके में कायम हुआ है जहाँ पर उसके हकदार तालिब इल्म में मौजूद है। इसलिए हम जो है आज हलीम साहब के इस्तकबाल के लिए आए, उनका हमने शुक्रिया अदा किया। साथ ही साथ आपने कहा कि मतलब स्कूल को वहाँ पर नया स्कूल बनाया गया, कितने बच्चे वहाँ पर अपनी शिक्षा को जिस इलाके में ये स्कूल कायम किया गया है, फिलहाल तो ये नया स्कूल है, इसमें एडमिशन 2-3 दिन के अंदर शुरू होंगे। और मैं आपको ये अंदाज़ा बताऊंगा कि हमने वहाँ पर सर्वे किया, उस सर्वे के मुताबिक 1000 बच्चे यहाँ पर एडमिशन लेंगे, 1000 बच्चे यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। इतने बच्चे हैं, पहली से लेकर 8वीं तक ये स्कूल शुरू किया गया है, जिसमें 6 क्लासरूम है, 6 क्लासरूम सुबह में, 6 क्लासरूम दोपहर में, और मज़ीद 3 क्लासरूम टेरिस पर एक्सटेंड होने की गुंजाइश वहाँ पर मौजूद है। तो अगर ये 3 क्लासरूम बन जाते हैं और दोनों शिफ्ट में स्कूल शुरू हो जाती है, तो मैं यकीन से कह सकता हूँ कि 1000 से ज़्यादा बच्चे यहाँ पर एडमिशन इनका हो जाएगा। शांतिनगर स्कूल की आपने बात कही, शांतिनगर स्कूल की काफ़ी गंदा हालात है, इस विषय को लेकर कभी आप लोगों ने पत्र व्यवहार किया कि नहीं, क्योंकि इसके हालात जो है एकदम जर्जर हो चुकी है। जी हाँ, शांतिनगर कैंपस में 1997 से मैं वहाँ पर सर्विस दे रहा हूँ, और पहले सिर्फ 2 स्कूल थी, आज 13 स्कूल हो चुकी है। गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारी इमदाद वहाँ पर आती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन बहुत सी अभी भी ऐसी ज़रूरियात मौजूद है जिसके लिए कॉरपोरेशन से हमें ऐड मिलना चाहिए, वहाँ से हमें सहूलत मिलना चाहिए, जिसके लिए हमने थ्रू प्रॉपर चैनल अप्लीकेशंस किए हुए हैं, तमाम हेडमास्टर्स ने अप्लीकेशन किए हुए हैं। और हमें उम्मीद है कि जिस तरह से 104 नंबर का आज परमिशन मिला है, भिवंडी में एक तालीमी इनकलाब बरपा हो रहा है, धीरे धीरे ही सही, लेकिन वहाँ पर हमारी तमाम मसाइल ख़त्म होने वाले हैं। तालीम किसी भी कौम का जेवर होता है, किसी भी मोहल्ले में, किसी भी शहर में, किसी भी मुल्क को तरक्की याफ्ता बनाने के लिए शिक्षा और तालीम बहुत ज़रूरी है। अलीम भाई ने जो सलम एरिया, जो बहुत गरीबों की बस्ती है, उनको स्कूल नहीं मिलता था बच्चों को, और जो स्कूल वहाँ थे वहाँ पे जगह नहीं थी, तो अलीम भाई ने एक तारीखी काम की है। मैं इनको दिल की अमीर गहराई से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि G+1 उनकी इमारत थी और काफ़ी दिनों से वो मेहनत कर रहे थे, और अल्लाह का करम फजल हुआ कि कॉरपोरेशन अथॉरिटी ने अभी स्कूल नंबर 104 दे दिए। तो ये जो बुनियादी काम होता है, लोग कहते हैं, तकरीर करते हैं, बातें करते हैं, लेकिन अमली जामा पढ़ाने के लिए हम तमाम असातिया, तमाम संगठना अलीम भाई को मुबारकबाद देते हैं कि उन्होंने स्कूल नहीं, इंशाल्लाह ताला उस स्कूल से उस बस्ती में हमको इंकलाब नज़र आएगा, और वो गरीब बच्चे जिनको एजुकेशन नहीं मिलता था उनको एजुकेशन मिलेगा। और मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ अलीम भाई के शहर के मॉडल स्कूल में उसको आप बनाइए, वहाँ के बच्चों को एजुकेशन हो, बल्कि कॉन्वेंट को फेल कीजिए। हम ऐसी उम्मीद करते हैं अलीम भाई, खाली स्कूल नहीं, अब आगे भी आप उसको परवा चढ़ाइए। और मैं तमाम असातिया की तरफ से एक बार फिर अली मंदिर साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि इंकलाब बरपा हो। वो तो भिवंडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, भले से रोड रास्ता नहीं मिले, लेकिन बच्चे लोग को स्कूल मिलना बहुत ज़रूरी है। तालीमी एक ऐसी बुनियाद है जिससे बच्चा आगे चल के कुछ बन सकता है, कुछ कर सकता है, रोड मिल जाए, गटर मिल जाए, ब्लॉक लग जाए, ये इतना ज़रूरी नहीं है। तो हलीम भाई हमारे जो पार्टी का गठ नेता है, उन्होंने इस स्कूल के लिए बहुत मेहनत करी है और एक नया नंबर ला के दिए, और इंशाल्लाह आगे भी स्कूल को और ऊंची करना है और उसमें काम करना है। और एडमिशन जो टीचर लोग का मामला है, टीचर लोग ने कहा है कि हम भरपूर वहाँ पर एडमिशन लेकर आएंगे, गरीब आबादी से जा जाके और उसमें एडमिशन कराएंगे। तो जैसे जैसे उसमें बच्चे आते जाएंगे, स्कूल डेवलप हलीम भाई उसको करते जाएंगे।